तो मैं एक ऐसे कवि को बुला रहा हूं जिसे सुनते में आपको बिल्कुल बुद्धि का निवेश नहीं करना, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है नहीं, गांव में रहने वाला है, किसानी करता है, उसके खानदान में भागवत का कथा का प्रवेश है, पुरोहिताई का काम है। गांव से निकल के सीधे कस्बे में आया, एक दिन मुझे दिखा वो धार के कवि सम्मेलन में, और मुझे लगा कि ये तो आनंद वर्षा करने वाला कवि है। लोगों ने मुझसे कहा कि आप कैसे इसे प्रमोट करते हो, इसमें कविता कितने प्रतिशत है। मैंने कहा कविता का मूल काम है आनंद देना, जो रसात्मक वाक्य है वो कविता होती है, ऐसा हमारे आचार्य भरत मुनि ने कहा। जानी बैरागी पर मैं रोज रात को 11 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित करता हूं, ये पता करने में कि आप पूरा सुन के ये बता दो कि ये किस रस का कवि है। मुख्यमंत्री जी, आपने इतने गांव घूम लिए, आधे घूम लिए, आधे और घूम को, एक कवि ढूंढ रहा हूं, इसे ढूंढ के बता देना कि किस रस का कवि है, तो मैं आपको अगली बार के चुनाव की शुभकामना दे दूंगा। एक बार जोरदार तालियां जानी बैरागी के बजाइए। आ जा आनंद। कुल मिलाकर के बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, और डॉक्टर साहब की बात में भी ज़्यादा आना मत। इन्होंने कहा कि ये गांव का रहने वाला है जानी बैरागी और पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं सारे कवि, इससे क्या फ़र्क पड़ गया, कर तो ये भी वही रहे जो मैं कर रहा हूँ। जब यही काम करना है तो पढ़ लिख के भी क्या कर लेंगे। और इस देश में सर मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विराजमान है और बैठे हुए हमारे बीच में बहुत सारे लोग, महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं। ये बात एक घंटे से कही जा रही है कि यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई, ये इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि बैठने की जगह है, इसलिए बैठे हुए हैं, इस पर इतना ध्यान मत दो आप। अब ये बैठेंगे और पता नहीं कब तक बैठेंगे, कोई गारंटी नहीं कब तक बैठेंगे ये, और बैठना भी चाहिए। इस देश के अंदर सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी तो गाँव के हैं, और ये इतने तगड़े, पहली बार छत्तीसगढ़ के अंदर मैंने तो पूरे हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री ऐसा देखा कि जो भंवरा होता ना भंवरा, उसको नेती से घुमाता तो हथेली पे जेल ले, वो जमीन पे भंवरा तक नहीं गिरने दे तो अपनी सरकार क्या गिरने देगा। पानी में तैरने में एक नंबर, गांव के रहने वाले आदमी है, बहुत बढ़िया। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, इन कवियों को यही पता नहीं कि नेता लोग कवि सम्मेलन कराते हैं और नेताओं के खिलाफ कविता पढ़ते हैं। सड़क खा गए और भाई साहब कह रहे थे लालू यादव, और चारा खा गए और 10 करोड़ खा गए, 20 करोड़ खा गए, इससे आपको क्या लेना देना। आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना खाने पीने का, ना खुद खा रहे हो ना दूसरे को खाने दे रहे हो, क्या मतलब है भाई। हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। वो 10 करोड़ खा गया और 20 करोड़ खा गया, आप 50 करोड़ खा के बताइए। ये भारत की संपत्ति, सरकारी संपत्ति है, इस पर सबको अधिकार है। आप खाओ पियो ऐश करो, बस घाटे का बजट संसद में पेश मत करो। कौन चिल्ला रहा कि खा गए, ये वही चिल्ला रहा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। इसलिए आप खाते रहिए। इस देश के अंदर आज से 5000 वर्ष पहले जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पे आए और वो घुटनों के बल चलते थे, तो माँ यशोदा ने कान्हा से कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो मिट्टी खाते हो। कन्हैया ने गर्दन हिला दी, माँ ने कहा बोले मुंह खोलो मिट्टी खाते हो। जब कृष्ण कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो मुंह के अंदर उन्होंने पृथ्वी, पाताल, तल, तलातल, महातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वैकुंठलोक, भूरलोक, भौर्गलोक, स्वर्गलोक, ताली मत बजाओ। भगवान कृष्ण बचपन में पूरी दुनिया खा गए तो कोई दिक्कत नहीं। बोले ये सड़क खा गए, ये चारा खा गए, भाई ये तो खाने पीने का सिलसिला बहुत पहले से चला रहा है, इसलिए खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ए राजा जिंदा, कन्नी मौजी जिंदा, ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। आप मस्त रहिए, आनंद रहिए, आनंद की वृष्टि हो रही है आज की रात। हमारी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, हजारों की भीड़ यहाँ से वहाँ तक, छत्तीसगढ़िया सबसे कह रहे थे, हमारे रामेश्वर जी वैष्णव साहब ने इतना उनको प्यार दिया, मोदी जी के प्रिय भक्त हैं, मोदी जी ने कहा कि लोकल फॉर वोकल, तो लोकल सुना रहे थे। लोकल सुनना चाहिए, लोकल सुन ही नहीं रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है, कोई खास बात नहीं है इसमें। मैं बहुत छोटा कवि हूँ, देश के तारे बड़े कवि इस मंच पर विराजमान है, पूरे देश दुनिया में जाते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, मैं कहीं भी नहीं गया हूँ। मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं, अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर घूमते फिरे क्या मतलब है? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे। आपकी तालियां दे रहे, दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। आदमी को घर पे रहना जरूरी है, इसलिए हमारे सीएम साहब घर पे ही रहते हैं।
अपना गांव भला और अपन भले, पूरे देश में हाहाकार मच गई, चैनल वाले मीडिया वाले अरे बोले देश में बेरोजगारी आ गई है, देश में बेरोजगारी आ गई। ऐसे थोड़ी आदमी में दिमाग हो तो कहीं भी रोजगार पैदा कर ले। पूरे हिंदुस्तान में पहला प्रदेश है जहाँ पे गोबर तक की खरीदी कर ली और रोजगार दिया, क्या बात कर रहे हो आप यार? आपको पता है यहाँ पे 5 रुपए किलो और अभी पता चला कि 10 रुपए किलो हो गया, क्या बात कर रहे हो? काम करने वाला चाहिए, कैसे भी काम हो सकता है। छत्तीसगढ़िया भैया बता रहे बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया कि वो जो कथरी होती है आप लोगों ने इनको YouTube वगैरह पे बहुत सुना होगा, हमको सुना, परंतु YouTube में और ये जो ओरिजिनल में फर्क है, उसमें फर्क ये है कि वो YouTube है और ये ओरिजिनल है। भाई YouTube क्या है कि आप यूट्यूब पे आप मतलब ये समझ लो गोदरी में भी सुन सकते हो, गोदरी रजाई में सुन सकते हो, यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल सुनना पड़ेगा आपको, बैठ करके सुनना पड़ेगा। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, और बात कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ जो आप सुन रहे हो। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। खिताब यूं मिल गया क्या? आपकी तालियां कमजोर है। छत्तीसगढ़ के इतने बड़े कवि सम्मेलन में हमारे दिनेश बावरा जी ने इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करी। दिनेश भाई कह रहे थे कि डॉक्टर साहब पैसा बहुत ज्यादा लेते हैं, डॉक्टर साहब पैसा बहुत ज्यादा लेते हैं। अरे कौन सा ज्यादा ले लिया भाई? मारा 15-20 लाख रुपए ले लिया तो ज्यादा हो गए 20 लाख रुपए। ये 5 करोड़ रुपए उस दीपिका पादुकोण ने कपड़े उतारने के लिए, अगला आदमी कपड़े पहनाने के ले रहा भाई, जरा हाथ खड़े करे इस बात पे, मैंने बात कही है। बहुत अच्छा।